राम राम भाई लोगों, मैं धारावाहिक जीतू और तुम सब देख रहे हो जीतू बीट्स। और भाई लोगों, आज की वीडियो बनाने वाले हैं अपन एक और नई बीट। चलो बनाते हैं भाई, क्या बनाएंगे पता नहीं, लेकिन बनाएंगे कुछ ना कुछ जरूर। आज मैं भाई अपना फेवरेट प्लगइन लूंगा एफएल स्टूडियो का, जो कि है मेरा सबसे फेवरेट प्लगइन। पैक्स में आता है नीचे छुपा हुआ, पता नहीं छुपा कर क्यों दिया एफएल स्टूडियो वालों ने। क्लोज ग्रांड जो है ये बहुत ही मस्त पियानो है भाई एफएल स्टूडियो में, और बहुत ही जबरदस्त जो है ये पियानो बजता है। क्लोज ग्राउंड इसका नाम है। ऑक्टेव नीचे करते हैं, फुल लेवल चलाते हैं। ओके, ओके, मस्त। ऐसे कुछ मेलोडी बनाने की कोशिश करते हैं, धुन कुछ ऐसे दिमाग में आ सके तो बहुत अच्छी रहेगी। जैसे थोड़ा सा मैं इसका वो कम करता हूँ, क्योंकि जो है ना लेटेंसी थोड़ी ज़्यादा आ रही है, इस वजह से मेरे को पियानो बजाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। देखते हैं इससे चल जाए तो। तो चलो टेम्पो इसका सेट करते हैं। ये अपनी एक मैंने मुंह से निकाली और इसी को हम करेंगे। ये वाली आएगी भाई, ये वाली। सुनो, अब सही आने चाहिए। अब टनन टन, देखो टनन टन 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 टनन टन 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 टनन टन 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 टन। चलो यहां से सुनते हैं। Okay.
मैं अपने बेटे की कीबोर्ड से बजा रहा हूँ, ये नोट डिसाइड करने कौन सा नोट आएगा। चलो ये टन टन, हाँ ये वाला आएगा। साउंडिंग पीछे आएगा थोड़ा, ये चलो इसकी कॉर्ड बना लेते हैं। तो कॉर्ड के लिए अपना को वही करना, मेजर होगी मेरे ख्याल, मेजर होनी चाहिए, नहीं माइनर। ओ भाई क्या हो गया, टा 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 टा। तो यहाँ पे कौन सी कॉर्ड सेट होगी, चलो कॉर्ड के लिए दूसरा एक ले लेता हूँ मैं, कलर बनाता हूँ इसका और इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं मेलोडी को, और कॉर्ड के लिए हम नीचे थोड़ा सा, तो टन नहीं, मेजर कॉर्ड ही सेट होगी, कौन सी होगी सी देखते हैं। एक और तरीका है, कोड अगर नहीं समझ आ रही कौन सी सेट होगी तो एक मेजर बना लो, क्योंकि ये हैप्पी साउंडिंग लग रही है अपने को, तो मेजर कोड होनी चाहिए। अब मेजर कोड में भाई कितने होंगे, देखो सी से सी तक, सी मतलब ये मान लो ये सी फोर है, सी फोर से लेके सी फाइव तक सात ही तो ना, सात कोडों में कोई सा अच्छा लगे वो रख लो, मुझे ये वाली अच्छी लगी है। और देखो और सुनते हैं, सी तो अच्छी लग रही है, ये नहीं अच्छी लगी, ये भी नहीं अच्छी लगी, ये भी नहीं लगी, ये भी नहीं लगी, ये भी नहीं लगी, ये थोड़ी सी लग रही है, पहले सी जितनी अच्छी लगी मेरे को, थोड़ा सा पेन की आवाज साउंड क्यों सुन रहा है भाई, पेन हुआ हुआ है क्या, ये पेन हो रखा है देखो, तो यहाँ पे क्या चक्कर है, ये पेन क्यों आ रहा है साउंड पता नहीं मुझे, थोड़ा सा इधर पेन कर लेता हूँ एक बार तो मास्टर को मैं। ये भी चलो अच्छी लग रही है लेकिन इतनी अच्छी नहीं लग रही जितनी सी लग रही थी, और देखते हैं। नहीं 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 नहीं, भाई ये पेनिंग वाली क्या समस्या हो रही है, क्यों हो रहा है पेन, ये इधर पेन क्यों हो रहा है भाई, ये इस कान में पेन हो रखा है, मैंने कोई पेन वेन का नोब भी नहीं छेड़ा हुआ, फिर क्या चक्कर है भाई, है अपने आप ही हो रहा है ये कैसे होगा भाई, ये देखो यहाँ से पेन देखते हैं, अच्छा ये पेन यहाँ से गड़बड़ाया हुआ है, ओहो ये बात है भैया, ऐसे हो जाता कई बार, ये वाले देखते हैं मेजर कोड बना के देखेंगे, मेजर कोड सेट नहीं होगी तो माइनर बनाएंगे। नहीं हुई तो माइनर लगाएंगे, नहीं माइनर भी नहीं हुई इस पे, तो चलो इस पे भी देखते हैं कौन सी मेजर या माइनर कोड सेट होती है।
मुझे सी वाली कोड अच्छी नहीं लग रही थोड़ी, इसके भी माइनर करके देखते हैं। देखो इसको एक बार बंद कर दो रे यार। दो सेकंड देना मेरे को। एक दो तीन चार पांच छह सात। इसको भी थोड़ा ऊंचा लेते हैं। अब ये आउट ऑफ की हो गई हमारी मेलोडी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई एक बढ़िया मेलोडी मेरे दिमाग में आ जाए तो। तो डी मेजर हमारी जो है ये देखो यहाँ पे स्केल हाईलाइटिंग मैंने ऑटोमेटिक की, तो यहाँ पे डी मेजर दिखा रहा है। तो डी मेजर हम स्केल, अब क्योंकि हमारे को ये साउंड अच्छा लगा तो हम डी मेजर स्केल में इसको सेट कर सकते हैं। तो डी मेजर के लिए हमें करना क्या होगा, पियानो रोल में जाएंगे और हेल्पर ले सकते हैं डी मेजर की, ताकि हमें हर एक मेजर आयोलियन जो भी है हर एक एग्जैक्ट की पता रहे कि डी मेजर में कौन कौन सी आएगी। तो इस मेजर फिर से करना पड़ेगा क्योंकि मैंने ओनली वन सेलेक्ट नहीं किया था, ठीक है। तो ये डी मेजर की ये सारी कीज है मेरे भाइयों, तो इन की में हम कोई भी मेलोडी बनाएंगे। अब तो मेलोडी जो हमने पहले बनाई थी उसको हमें जस्ट इन 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 नोट्स में शिफ्ट करना है, ठीक है। और हमें ये भी देखना है कि कहीं पर हमारी कोई कोड का नोट तो आउट ऑफ की नहीं जा रहा है। तो देखिए सारे नोट्स जो है सिवाय इसके, इस वाले नोट्स के मुझे नहीं पता, ये वाला नोट भी इंक्लूडेड है, ठीक है, ये भी इंक्लूडेड है, सब नोट्स सही है। अब हमें अपनी जो है ना मेलोडी के नोट्स को जरूर ठीक करना होगा, कई नोट्स मेरे को लगता है इसमें। थोड़ा सा मुझे ये ना इसकी जो वो है इसकी जो रिदम है वो चेंज करी, क्योंकि तन तन तो मुझे एक बड़ा तीन वाली रिदम चाहिए, ठीक है, एक बड़ा तीन या फिर एक बड़ा तीन स्टेप वाली या फिर एक बड़ा तीन बीट वाली या फिर जो भी मान लो यार, पर मान लो एक बार एक बड़ा सिक्स वाली। नहीं रुको रुको, गड़बड़ हुआ कुछ, क्या गड़बड़ हुआ पता नहीं मुझे, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ। देखो टनंत यहाँ पे आएगा भाई, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। यहाँ पे आएगा, ऊपर वाले में आएगा क्योंकि हमने की चेंज किया थोड़ी सी। यहाँ पे डी लिया है हमने,
तो कॉर्ड भी ना डी के पास से ही चालू करते हैं, कहां पे? चलो डी की कॉर्ड लगाते हैं। भी देंगे। अब क्या हो गया ये? नन ये अरे को तन 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 ऐसा आएगा। तो भाई लोगों बीच में रिकॉर्डिंग मेरी बंद हो गई और मैंने बहुत सारी पूरी बीट बना ली, उसके बाद मैंने देखा कि रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी है, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहां तक पहुंच चुके थे? मेरे ख्याल से मेलेडी बनाना सीख चुके थे। मेलेडी कैसे बनी? तो मैंने देखो सबसे पहले बनाई कोड, है ना, कोड बनाई थी, थोड़ा बहुत आपने देखा ये कोड बनी। हाय हाय बहुत बढ़िया, ये कोड बनाई, इसके साथ मेलेडी को थोड़ा ट्रांसफॉर्म किया था इसके हिसाब से। मेलेडी में थोड़ा सा जो है लो फ्रिक्वेंसी सुनाई दे रही, उनको हटाएंगे ईक्यू की सहायता से अपन। तो ये मैं लाइव किया था सारा, मैं बोल बोल के सारा समझा रहा था और फिर पता चला कि मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर काम नहीं कर रहा था। चलो 808, फिर मैंने 808 पैटर्न भी लगाया इस पे, जो किक तो आपने सुन लिया होगा, मैंने किक पैटर्न सेट किए थे ये वाले, सुनो। ड्रम तो बनाए थे मैंने, ड्रम देखो ए उसके ऊपर मैंने 808 पैटर्न नोट सेट किए थे। ये कुछ नहीं है, कोड के जो रूट नोट है उन्हीं को मैंने किक के हिसाब से काट दिया। अब किक के हिसाब से कटते कैसे, देखो मैंने पहले तो कोड के जो रूट नोट थे कॉपी करके पूरा लंबा इतना नोट लिया, ठीक है, और फिर मैं लेके आया किक को यहाँ से कंट्रोल सी दबा के, और फिर मैंने यहाँ पे 808 प्लस कंट्रोल वी दबाया, और जहाँ जहाँ भाई किक था ना अपना वहाँ पे मैंने ये रेजर लिया और रेजर से मैंने यहाँ पे कट लगा दिया। तो किक के हिसाब से 808 जो अपने वो कट गए, ठीक है। उसके बाद कैसा साउंड आता है, ऐसा आता है, सुनो। Yeah, I love you, baby. और उसके साथ मैंने स्विंग भी यहां से दिया था, देखो स्विंग से बहुत फर्क पड़ता है। एक तो बिना स्विंग के हाई हैट सुनना थोड़ा ऐसे मजा नहीं आएगा, सुनो। और एक स्विंग के साथ हाई हैट को सुनना, ऐसे रो ऐसे हाई हैट में स्विंग आएगा, सुनना। हालांकि किक की और 808 की थोड़ी क्लैशिंग हो रही है, वो हम साइड चेंज करके उड़ा देंगे। अभी इसमें जो है हम एक काम और कर सकते हैं, कंट्रोल ए दबाएंगे कोड्स पे, है ना, और कोड्स में ऑल्ट आर ऑल्ट ऑल्ट एस दबाएंगे, स्ट्रम करेंगे इनको थोड़ा सा, है ना, जिससे कि साउंड इनका थोड़ा ठीक आए, सुनते हैं अभी। चलो भाई लोगों इसको जल्दी से मैं मिक्स करता हूं और आपके सामने फाइनल बीट आने वाली है। 3, 2, 1 गो।
तो वालों आज की वीडियो में इतना ही, और जैसा मैं कहता हूँ, बीट बनाते रहो और मजे करते रहो, चलता हो।